दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द हैं और जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो कुछ ही क्षणों में आपके सामने एक डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, कृपया डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब वर्ग है, जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा और इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे, तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और न कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें, परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य शीघ्र होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी आम जनता का आदर्श होती है और जो कुछ उच्च श्रेणी के लोग करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं। इसलिए यह काम पहले उच्च श्रेणी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका प्रभाव अवश्य ही गहरा पड़ेगा। पैराग्राफ। सप्ताह में 2 बार भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाव है, इससे न केवल अनाज वरन ईंधन तेल कोयला आदि सब की बचत होगी, भोजन छोड़ने के अलावा अन्न बचाने का और भी एक तरीका है, वह भी सामूहिक सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। सब जानते हैं कि देश में 10% अन्न कौन खराब करता है? कीड़े पंछी बंदर और बोरियां ठीक न होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है, इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले अन्न को बचाया जाए तो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमान जी, यह अपराध कबूतरों बंदरों कीड़ों आदि का नहीं है, यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है, इसलिए हम लापरवाह थे, इसीलिए अनाज का विनाश होता रहा। परंतु अकाल पड़ेगा जैसा कि इस वर्ष पड़ा है, तभी हम जागे तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को
रोकने की सतत कोशिश करनी चाहिए। उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान, बच्चा तथा युवक कर सकता है और उन्हें करना चाहिए। अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी, यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है। प्रत्येक देशवासी को इस बात पर ध्यान देना होगा तथा सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर देश में जागरूकता पैदा करनी होगी। यह भी देश सेवा करने एवं उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम माना जाएगा, जो कि एक सार्थक पहल है। इस प्रकार की पहल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में होनी चाहिए, जिससे संसार का प्रत्येक देश आत्मनिर्भर बन सके। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।